रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के घर ईडी की रेड पड़ी है। सीएम अशोक गहलोत के बेटे से भी पूछताछ होगी। राजस्थान चुनाव नजदीक है, ऐसे में प्रदेश में ईडी सक्रिय नजर आ रही है। इस बार ईडी के निशाने पर और कोई नहीं बल्कि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष टोडासरा है। राजस्थान में पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निर्देशालय की टीम आज सुबह से ही एक्टिव नजर दिखाई दी। गुरुवार सुबह प्रवर्तन निर्देशालय की टीम ने राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह टोडासरा के जयपुर स्थित आवास पर छापेमारी की है। आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी के अनुसार साझा किया है कि ईडी की टीम राजस्थान में पिछले साल हुए पेपर लीक मामले को लेकर पूछताछ और छानबीन कर रही है। इसी के साथ यह बात सामने आई है कि ईडी की टीम गोविंद सिंह टोडासरा के साथ साथ उनके रिश्तेदारों के घर भी पहुंची हुई है और वहां भी लगातार पूछताछ जारी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा केस में समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह टोडासरा के आवास पर ईडी की रेड पड़ी है। वहीं अशोक गहलोत के बेटे से भी पूछताछ की जाएगी। देश की जनता में विश्वास खो चुकी भारतीय जनता पार्टी देश की प्रतिष्ठित जांच एजेंसियों के माध्यम से केंद्र की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं पे ईडी सीबीआई और आईटी के द्वारा प्रतिशोधपूर्ण कार्रवाई कर रही है। उसी का नतीजा ये है कि जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेताओं पे मुखर हमलावर रहे, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निवास पे और कांग्रेस के अन्य नेताओं पे ईडी की कार्रवाई की गई। राज्य के अंदर चुनावी समय आने पे हम लगातार कहते रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जो देश का गौरव होती हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपने टूल के तौर पे, हथियार के तौर पे काम ना ले। भारतीय जनता पार्टी आरक्षित वर्ग के लोगों पे चिन्हित करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों पे प्रहार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक के बहाने से ध्यान भटकाना चाहती है, युवाओं को गुमराह करना चाहती है। हम पूछना चाहते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, उन राज्यों में जो पेपर लीक हुए वहां कितनी बार ईडी पहुंची, पेपर लीक करने वाले माफियाओं पे क्या कार्रवाई करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा, भाजपा शासित राज्य सरकारों ने क्या सख्त कानून बनाए ताकि आने वाले भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो।